नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी अनुबंध अधिनियम की चर्चा कर रहे थे और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मिथ्या कथन या मिथ्या वर्णन, जिसको हम लोग मिस रिप्रेजेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मिथ्या कथन या मिथ्या वर्णन का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसका अनिवार्य तत्व क्या होता है और इसका इफेक्ट क्या होता है, यानी इसका प्रभाव क्या होता है। सबसे पहले शुरू करते हैं मिथ्या कथन या मिथ्या वर्णन का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। मिथ्या वर्णन दो शब्दों का संयोगिक रूप है जिसका अर्थ होता है असत्य वर्णन या झूठ वर्णन। अन्य शब्दों में ऐसे भी कहा जा सकता है कि जब कोई असत्य वर्णन निर्दोष भाव से या जानबूझकर नहीं किया जाता तो उसे मिथ्या वर्णन कहा जाता है, यानी मिथ्या वर्णन में जो भी झूठ बोला जाता है वह जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता, नहीं बोला जाता। कपट के संदर्भ में हमने जाना था कि जब एक पक्ष किसी दूसरे पक्ष को धोखा देने के उद्देश्य से जानबूझकर असत्य वर्णन करता है तो उसे कपट कर कहते हैं। यानी जब कपट में ये था कि जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को धोखा देने के उद्देश्य से झूठ बोलता है तो वह कपट कहलाता है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग मिथ्या कथन या मिथ्या वर्णन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जानबूझकर करने वाली कोई बात नहीं है, निर्दोष रूप में हो जाता है। मिथ्या वर्णन की स्थिति में असत्य वर्णन अनजाने में निर्दोष भाव से किया जाता है, अर्थात इसमें एक पक्ष का दूसरे पक्ष को धोखा देने का कोई भी इरादा नहीं होता है, बल्कि अनजाने में उसके द्वारा असत्य वर्णन होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक पक्ष का दूसरे पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से कोई भी बात नहीं कहता है, लेकिन उसमें होता ये है कि अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं। जब मिथ्या वर्णन होता है तो मिथ्या वर्णन करने वाला व्यक्ति ईमानदारी से वास्तव में उसे सत्य ही मानता है, यानी अगर कोई भी व्यक्ति मिथ्या वर्णन कर रहा है तो उसे लगता है कि हाँ, जो मैं कह रहा हूँ यह सत्य ही है, लेकिन वास्तव में वह सत्य नहीं होता है। परिभाषा। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 18 के अंतर्गत मिथ्या वर्णन को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार मिथ्या वर्णन के कार्यों को निम्न तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला, निश्चयात्मक कथन यानी पॉजिटिव असर्शन। दूसरा, करार भंग यानी ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तीसरा, करार की विषय के बारे में गलती करा देना, यानी जो भी गलती हो रही है वह करार के विषय में हो रहा है। अब देखते हैं मिथ्या वर्णन के अनिवार्य तत्व, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। इसमें कुछ तत्व इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला, मिथ्या वर्णन धोखा देने के उद्देश्य से नहीं किया जाता। हम लोग इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि जब कभी भी मिथ्या वर्णन होगा तो वह मिथ्या वर्णन कभी भी धोखा देने के उद्देश्य से नहीं किया जाएगा। दूसरा, अनुबंध में मिथ्या वर्णन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में होना चाहिए, और जो भी मिथ्या वर्णन हो रहा है वह महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में होना चाहिए। तीसरा, वर्णन असत्य होता है लेकिन वर्णन करने वाला पक्षकार उसकी सत्यता के बारे में पूरा विश्वास रखता है। जो भी वह व्यक्ति वर्णन करने वाला है, वह जो भी उसने कहा है वह तो असत्य होता है, लेकिन उस व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि जो मैंने कहा है वह सही ही कहा है। चौथा, दूसरे पक्ष को अनुबंध करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से मिथ्या वर्णन किया जाना चाहिए तथा दूसरे पक्ष ने वर्णन के आधार पर कार्यवाही की हो, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रेरित कर रहा है अनुबंध करने के लिए और वह जानता है कि यह सत्य है, लेकिन दूसरा पक्षकार जो पीड़ित हुआ है वह उसके आधार पर कार्यवाही कर सकता है, कार्रवाई किया हुआ हो। पाँचवा, मिथ्या वर्णन अनुबंध एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार के समक्ष किया जाता है, यानी मिथ्या वर्णन हमेशा एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार के सामने किया जाता है।
अब देखते हैं मिथ्या वर्णन का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 19 के अनुसार जब किसी पक्षकार की सहमति मिथ्या वर्णन से प्रभावित होती है तो मिथ्या वर्णन से प्रभावित पक्षकार की ओर से वह अनुबंध पूरी तरह से व्यर्थनीय होता है। इसके संदर्भ में पीड़ित पक्ष को दो तरह से अधिकार प्राप्त होते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कभी भी मिथ्या वर्णन होता है तो यहाँ पे जो किसी भी पक्षकार की स्वतंत्र सहमति होती है वह प्रभावित होती है और जो भी पीड़ित पक्षकार है उसकी तरफ से यह अनुबंध व्यर्थनीय होता है। इसके संदर्भ में दो बातें उसके अधिकार में आती हैं जो भी पीड़ित पक्षकार है। पहला है पीड़ित पक्षकार अनुबंध को रद्द कर सकता है। ऐसा अधिकार पीड़ित पक्षकार को केवल उसी स्थिति में प्राप्त होता है जब वह साधारण परिश्रम से सत्य का पता लगाने की स्थिति में न हो। कहा जा रहा है कि अगर कोई पीड़ित पक्षकार है वह अनुबंध को रद्द कर सकता है। अब वह अनुबंध को रद्द इस अवस्था में करेगा कि वह सत्य का पता नहीं लगा पा रहा है। दूसरा, यदि पीड़ित पक्षकार को उचित लगे तो वह अनुबंध को स्वीकार करके इसके निष्पादन के लिए आग्रह कर सकता है। यानी अगर पीड़ित पक्षकार को लगता है कि अनुबंध करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर सकते हैं, तो वह क्या कर सकता है, इसका निष्पादन कर सकता है। पीड़ित पक्षकार दूसरे पक्ष को बाध्य कर सकता है कि उसे इस स्थिति में रखा जाए जिसमें कि वर्णन के सत्य होने पर रहा होता। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहला जो पक्षकार है, जो पीड़ित पक्षकार है, वह जो भी जिसने पीड़ित किया है उसके साथ यह कह सकता है, उसको ऐसे बाध्य कर सकता है कि इस मिथ्या कथन से पहले जो स्थिति रही है उसके हिसाब से तुम अनुबंध करो। मेरे प्रिय साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपके मन में अनुबंध अधिनियम से जुड़े कुछ प्रश्न हैं तो हमें जरूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।